जय हनुमान एल्यूमिनियम, प्रगतिक टावर के सामने बहतराई रोड बिलासपुर। हमारे यहाँ एल्यूमिनियम के पार्टीशन, सेक्शन गेट, जाली, बॉम्बे स्लाइडिंग, थ्री स्लाइडिंग, ग्लीचिंग गेट, चौखट आदि का कार्य उचित मूल्य पर प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें 9479088749589805180। भाजपा आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने आज खुलासा किया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के 1,30,60,000 रुपए को अफसरों ने मिलीभगत कर हजम कर लिया। उन्होंने बताया कि जब विभाग में पैचवर्क काम को लेकर सूचना के अधिकार में आवेदन लगा तब अफसरों के कान खड़े हुए और आनन फानन में पैचवर्क का काम शुरू हुआ, मगर यहां भी चोरी पकड़ी गई जब प्लेन सड़क में डामर चढ़ा दिया गया और दूसरे दिन डामर बह गया। इस तरह खुलेआम जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने दो सड़कों की जानकारी देते हुए अन्य सड़कों और पूरे राज्य में हुए पैचवर्क कार्य पर सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजधानी रायपुर में जो पैचवर्क का काम हुआ उससे सड़क चलने लायक नहीं है, पूरी सड़क अनबैलेंस हो गई। लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो रोड पूरी तरह से ठीक थी और जिसमें गड्ढे नहीं थे, उस रोड में पैच रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपए कार्यपालन अभियंताओं को दिया गया और उस रोड पर किसी प्रकार का कार्य नहीं था। रोड में पैचवर्क का कार्य कागज दिखाकर ठेकेदार से बिल लेकर आपस में ही पैसे को बांट लिया गया और जनता के पैसे की लूट की गई। पूरा पैसा खत्म क्यों हुआ? काम बंदर बांट हो गया और काम ही नहीं था। एक्चुअल में काम नहीं था, जिस रोड में उसका पैसा स्वीकृत करके लिया गया और ठेकेदार को पैसा देकर उससे बिल देकर पेमेंट करके आपस में बांट लिए। तो राजधानी रायपुर में जो कई जगह पेचवर्क का काम हुआ है और अभी भी काम चल रहा है, उसको कैसे किस नजरिए से देखते हैं आप? जहाँ पर जरूरत है वहाँ तो ठीक है, ऐसी जो जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग वो अच्छी जगह जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी बजट आया है, तो हमारा आरोप ये है कि वहाँ तो ये 50% पैसा खा रहे होंगे, यहाँ 100% खा रहे हैं। खा तो वहाँ भी रहे, 50% वाले में भी खा रहे हैं, क्योंकि जितने गड्ढे हैं भरने की बात आ रही है वो जब हम आरटीआई निकाल रहे तो उतने गड्ढे वहाँ भी नहीं भरे गए जितने का पैसा रिलीज कर दिया गया। जैसे इसमें भी इतनी चोरी के बावजूद इसको 10% एवो में दिया गया ठेका, ऐसे हर जगह किया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग हो गया, पीडब्ल्यूडी विभाग के जितनी जगह है सब संस्था में किया जा रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 100 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार है। ये मेरे हिसाब से तो एजुकेटेड इंजीनियर जो होता है वो राम निवास करके हैं, श्रीनिवास राव करके, श्रीनिवास राव जी वहाँ पर एजुकेटेड इंजीनियर हैं और हर डिवीजन के स्वयं जो डिवीजन का जो मालिक होता है वो होता है एजुकेटेड इंजीनियर। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और चूंकि उसके ऊपर सुप्रीम इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ENC सबका काम होता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बजट सही दिया जा रहा है कि नहीं, उनका काम है निगरानी करना। तो मेरे हिसाब से तो पूरे डिपार्टमेंट पे एक्शन होना चाहिए इसमें, और स्वयं मंत्री जी ऐसा संरक्षण दे रहे हैं जो चीफ इंजीनियर बना रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, तो उनको खुद भी सोचना चाहिए कि ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें खुद भी इस्तीफा देना चाहिए ऐसे चीजों में।